हेलो स्टूडेंट्स, ये वेव एंड ऑप्टिक्स का सातवां लेक्चर है, सेवंथ लेक्चर है। और आज हम लोग फ्रिंजेस के टाइप के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के फ्रिंजेस हमें पढ़ना है, थिन फिल्म मतलब डिवीजन बाय इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड आपके सिलेबस में है, और उसमें से थिन फिल्म और इंटरफेरेंस रिंग है, मतलब इंटरफेरोमीटर है। तो इन सब में मुझे ऑलमोस्ट दो तरह के फ्रिंजेस मिलते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस जिसको फिजाओ फ्रिंजेस कहते हैं, एंड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन जिसको हम हेडिंजर फ्रिंजेस कहते हैं। तो यही दो आपके फ्रिंजेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कब हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस होगा, कब फ्रिंजेस को फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन समझेंगे। और ये फिजाओ हेडिंजर जो साइंटिस्ट के नाम है उसी के बेसिस पे है। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ रिमाइंड करा दें आपको कि जो हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कंडीशन फॉर मैक्सिमा था, नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंडीशन था, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये था 2μt cos r इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा, प्लस माइनस दोनों था ऑड लाना है, और मतलब जनरली पार डिफरेंस ये टर्म क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू है, ठीक। तो माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2μt cos r इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय टू। ये इस इक्वेशन में क्या क्या पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहा है पहले वो समझ रिमाइंड करवा देता हूँ। क्वेश्चन वन दे दीजिए, म्यू आपका था थिन फिल्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म, टी था थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, ठीक। लैम्डा क्या था, लैम्डा था वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट, वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट। और ये जो आपका एन है वो इंटीजर है, एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये सारा कुछ। और आर आपका क्या है, आर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये डिपेंड करेगा किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो इसको आप कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्लाइनेशन, और इंक्लाइनेशन। देखिए फिगर ऐसा था थिन फिल्म का, ये थिन फिल्म था, यहाँ पे नॉर्मल है, ये रे आया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू है, वेवलेंथ है इसका लैम्डा है, ये नॉर्मल की ओर गया, यहाँ नॉर्मल है रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक। और ये आपस में फ्रिंज जाके यहाँ पे बनता है, और ये एंगल आपका आई था और ये एंगल आर था, तो आर हमेशा आई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए उसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ले रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, ठीक है। आई चेंज करेगा तो आर चेंज करेगा स्नेहसता के हिसाब से। तो अब इसमें देखिए, सबसे इसी इक्वेशन में आपका सारा इन दोनों फ्रिंजेस का डेफिनेशन छिपा हुआ है। इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, म्यू टी लैम्डा एन, तो आप म्यू टी लैम्डा आर ये सारे वेरिएबल्स लग रहे हैं, पर जब आप एक थिन फिल्म लेते हैं तो आप म्यू डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा थिन फिल्म लेंगे, तो उसके हिसाब से आपका म्यू कॉन्स्टेंट हो गया एक एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक। जो आपने थिन फिल्म लिया तो आप टी भी कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, ये टी हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, सॉरी टी को हम वेरिएबल भी लेते हैं, क्योंकि टी को कॉन्स्टेंट करेंगे तो काम नहीं बनेगा, म्यू हमारा कॉन्स्टेंट हो गया कॉन्स्टेंट, और लैम्डा कॉन्स्टेंट है, ये दो कॉन्स्टेंट पक्का रहेगा, क्योंकि आप जो सोर्स यूज कर रहे हैं लाइट का वो एक फिक्स सोर्स है, और थिन फिल्म में वो एक फिक्स मीडियम आपका फिक्स मटेरियल का है, तो लैम्डा आपका कॉन्स्टेंट हो गया और म्यू कॉन्स्टेंट हो गया कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये दो दो कॉन्स्टेंट हो गए, बच क्या गया,
आपके पास जो बचा हुआ है वेरिएबल वो है थिकनेस ऑफ थिन फिल्म एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसको हम कह रहे हैं आर, टी और आर। तो पार डिफरेंस आपका डिपेंड करेगा किस पे, टी और आर पे। ठीक, तो आपके पास वेरिएबल क्या रह गया, वेरिएबल जो रह गया वो है आइदर आर और टी, आर एंड टी, ये तो वेरिएबल मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी कही हो, ये टी आपका थिकनेस हो गया। तो आपके पास पाथ डिफरेंस जो है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अराइजेस ड्यू टू वेरिएशन इन थिकनेस टी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्लाइनेशन। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस अराइजेस ड्यू टू वेरिएशन इन थिकनेस टी इन थिकनेस थिकनेस टी एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आर आई पर डिपेंड कर रहा है, इसको हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इंसिडेंस लिख सकते हैं आर डायरेक्ट एज आर। ठीक, अब आपको एक बार आर कॉन्स्टेंट रखेंगे टी वेरी करेगा, पार डिफरेंस टी पर डिपेंड करेगा, फिर टी कॉन्स्टेंट रखेंगे पार डिफरेंस आर पर वेरी करेगा, वही दो चीज आपको देगा ये डिफरेंट दोनों फ्रिंजेस का टाइप। ठीक है, तो आ जाइए आप, तो ये दो कैटेगरी कर देते हैं। ठीक, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस यहां लिखते हैं हम, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, और ये होगा फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। इक्वल थिकनेस आपका हो गया, इसको कहते हैं दूसरा नाम है फ्रिंजेस, और ये है हेडिंजर फ्रिंजेस, ठीक। अब देखो, अब यहां पे क्या है कंडीशन, इसमें क्या आर को कौन से एरिया में, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको ले रहे हैं हम, आई आर आर जो ले रहे हैं वो उसको कॉन्सेंट कर दिया, तो टी वेरी कर रहा है, तो थिकनेस ऑफ फिल्म है ये वेरी कर रहा है। ठीक, मतलब सेम एंगल ले रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका सेम रहेगा विथ वेरिंग थिकनेस, तो क्या हो जाएगा, ये वेज शेप आपका बन रहा है बेसिकली। ठीक, आपका आर है वो हमेशा सेम रखेंगे और टी को वैरी कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से जो फ्रिंजेस ऑफ प्रिंट का होगा वो कहलाएगा आपका फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, फ्रिंजेस ऑब्टेंड ऑब्टेंड अंडर सच कंडीशन, अंडर सच कंडीशन are called
such conditions are called fringes of equal thickness. Fringes of equal thickness. एग्जाम्पल में इसका आ गया न्यूटन्स रिंग. एग्जाम्पल में न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंज बनेगा वो इसी तरह का, क्योंकि न्यूटन इसमें वेज से इस्तेमाल करते हैं न्यूटन्स रिंग. अब आ जाते हैं फ्रिंजेस इक्वल इंक्लिनेशन में. सेकंड केस कंसीडर करेंगे, इफ टी इज कांस्टेंट, थिकनेस ऑफ द फिल्म थिन फिल्म कांस्टेंट रखते हैं और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्लिनेशन वेरी करते हैं, ठीक है, थिकनेस कांस्टेंट है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंसिडेंस हम वेरी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या जो फ्रिंज बनेगा वो कहलाएगा फ्रिंजेस ऑब्टेंड अंडर दिस कंडीशन, अंडर सच कंडीशन आर कॉल्ड फ्रिंजेस इक्वल, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन या हाइडिंजर फ्रिंजेस. ठीक, एग्जाम्पल इसमें क्या है, इसमें माइकलसन में भी बनता है और फैब्रिक पीरियड इंटरफेरोमीटर में बनेगा. एग्जाम्पल है जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो बनेगा फ्रिंज, इंटरफेरोमीटर और फैब्रिक पीरियड में जो बनेगा इंटरफेरोमीटर. ठीक, ये आपका हो गया कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस एंड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन. चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये छोटा सा पॉइंट था, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन करेंगे. ओके.